सन 2020 में एक ऐसी वीडियो बनाया था कि जब अरेरा गांव का स्कूल खुलता नहीं है, ना यहाँ टीचर आते हैं और ना यहाँ पर पढ़ाई होती है। इसके बाद हम लोगों ने गांव के लोगों के साथ मिलकर एक आवेदन किया। आवेदन करने के बाद अभी लॉकडाउन के बाद सरली स्कूल फिर खुलने लगा है और बच्चे यहाँ पर नियमित रूप से आने लगे हैं, क्योंकि टीचर भी अब बराबर आने लगे हैं। इस पर इम्पैक्ट लाने के लिए हमने जिला शिक्षा अधिकारी के इसकी जानकारी दी और कोरोना काल के बाद ये खुला। मेरा नाम राजकुमार शर्मा है, मैं यहाँ सहायक शिक्षक हूँ और विद्यालय खुल गए हैं 50% क्षमता के साथ में, और कक्षा 1 से 5 तक के छात्र भी स्कूल आने लगे हैं। और स्कूल खुलने से छात्रों में बहुत उत्साह है, एक बहुत लंबे अंतराल के बाद स्कूल खुले हैं तो उनकी पढ़ाई का थोड़ा इसका असर तो पड़ा है। हालांकि हम लोगों के शिक्षकों के द्वारा व्हाट्सएप आधारित मूल्यांकन भी किया जाता था और डिजिलैब के माध्यम से ऐप के माध्यम से बच्चों को शैक्षणिक सामग्री भी भेजी जाती थी, उससे भी उनको घर पे ऑनलाइन सीखने को तो मिला। हालांकि जो विद्यालय खुलने के बाद वो विद्यालय में जितना अच्छा बच्चे सीख पाते हैं उतना मोबाइल के माध्यम से तो संभव नहीं है, और इस समय चूँकि बच्चे आने लगे हैं थोड़ा सा हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उनके पालकों को थोड़ा सा भेजने में संकोच हो रहा है, तो उनसे भी सहमति पत्र लेने के बाद ही बच्चों को 50% क्षमता के साथ में बैठाया जाता है और कोरोना की गाइडलाइन का पालन भी किया जाता है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा जाता है। सोनी कुशवाहा, मेरी अगली सहेलियाँ पुरानी वाली वो मिल चुकी हैं, इसलिए पढ़ने में भी अच्छा लगता है और खेलने कूदना कूद भी लेते हैं थोड़ा बहुत। हम तो आ रही हैं घर घर पर गई पर बच्चे नहीं जा पा रहे, पानी की बरसात हो रही है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 गांव की ओर से और सभी बच्चों की ओर से हम लोग बस इतना टीचरों से निवेदन करेंगे कि वो अब नियमित रूप से इस स्कूल को खोलें और जो बच्चों का नुकसान हो गया है आगे पढ़ाई का उसे कवर करने की कोशिश करें। मैं लक्ष्मी गर्ग, इंडिया नेट के लिए, शिवपुरी, मध्य प्रदेश।